चंद्रयान 2 भारत का चांद पे किया जा रहा दूसरा मिशन। आज पूरी दुनिया इसरो के इस मिशन पे अपनी नजरें गड़ाए रखे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास है हमारे चंद्रयान 2 मिशन में? क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों नासा को चांद पे जाने में मात्र 4 दिनों का समय लगा था, वहीं हमारे चंद्रयान 2 को चांद पे पहुंचने में करीब 28 दिनों का लंबा वक्त लगा। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट यानी द फैट बॉय के जरिए लॉन्च किया गया था और 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गया। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब चंद्रयान 2 में लगा लैंडर चांद के सतह पे लैंड करेगा। चंद्रयान 2 जो कि रशिया के रोसकॉस्मोस और इसरो का एक साझा मिशन होने वाला था, रशिया के पीछे हट जाने के बाद इस मिशन का पूरा भार इसरो पे ही आ गया और इस मिशन को करना हमारे लिए वाकई में काफी कठिनाइयों भरा था। लेकिन इतने सारे कठिनाइयों के बावजूद भी हमने चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट तक भेजा। लेकिन क्या आपको पता है इस मिशन का इस अंजाम तक पहुंचना कितना मुश्किलों भरा रहा? वेल, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। चंद्रयान 2 जो कि इंडिया के होम ग्रोन टेक्नोलॉजी से बनाई गई स्पेस क्राफ्ट है। ये स्पेस क्राफ्ट कुल 3 भागों में बनी हुई है जो अपने निश्चित समय पे एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने मिशन को अंजाम देगी। इसके तीनों मेजर पार्ट्स को तो आप जानते ही होंगे, ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। इन तीनों के अपने अलग अलग काम निर्धारित है जिसे ये अंजाम तक पहुँचाएंगे। क्या आपको पता है नासा द्वारा साल 2013 में की गई लैडी यानी ल्यूनार एटमॉस्फेयर एंड डस्ट एनवायरनमेंट एक्सप्लोरर मिशन, जिसे 7 सितंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, उसका टोटल बजट था $280 मिलियन यानी करीब 2,000 करोड़ रुपए। और इसरो द्वारा किया जा रहा चंद्रयान 2 मिशन का कुल बजट है $978 करोड़ यानी करीब $141 मिलियन। अब आप समझ सकते हो कि इसरो ने ये मिशन कितना कम बजट में किया है। यूं ही इसरो सबके दिलों में बसा नहीं है और आज ये पूरी दुनिया के सुर्खियों में छाया हुआ है। लेकिन आखिर हमें चांद पे जाने में इतना वक्त क्यों लगा? क्यों हमें 28 दिनों का लंबा सफर करके चांद तक जाना पड़ा? और क्या आपको पता है अपोलो 11 मिशन जिसमें इंसानों ने पहली बार चांद के सतह पे अपने कदम रखे थे, वो केवल 4 दिनों में ही चांद तक पहुंच गया था। लेकिन आखिर हमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? वेल, इसका सबसे सरल सा जवाब है बजट प्रॉब्लम। नासा के अपोलो 11 मिशन में सैटर्न 5 सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल को यूज किया गया जो इतना दमदार था कि ये बहुत तेजी से स्पेसक्राफ्ट को एक सिंगल पैथ से ही मून के ऑर्बिट तक ले जा सकता था। लेकिन जितना दमदार रॉकेट उतना ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन और जितना ज्यादा फ्यूल उतना ही ज्यादा खर्च। अपोलो 11 मिशन का कुल बजट था $25 बिलियन जो कि आज के समय के हिसाब से होते हैं करीब $174 अरब। लेकिन हमारे पास जो जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट है वो इतना ज्यादा दमदार नहीं है कि ये स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्टली चांद के ऑर्बिट में भेज दे और इस वजह से हम चांद तक जाने के लिए सर्कुलर पाथ को अपनाते हैं, यानी हम डायरेक्ट अर्थ से मून की ओर ना जाकर अर्थ के कई चक्कर लगाते हुए जाते हैं जिससे अर्थ की ग्रेविटी के सहायता से स्पेसक्राफ्ट को उसके रिक्वायर्ड वेलोसिटी को अचीव करने में कम फ्यूल की आवश्यकता होती है। जी हाँ, चंद्रयान 2 को चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने के लिए धरती के कुल 5 चक्कर लगाने पड़े थे और एक एक चक्कर के साथ साथ इसकी रफ्तार को और तेज की गई थी और फिर 20 अगस्त 2019 को ये फाइनली चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गया। भले ही इस तकनीक में समय अधिक लगता है लेकिन हम इस तकनीक के जरिए बेहद कम बजट में बड़े बड़े मिशंस को भी कर सकते हैं। चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद ही चंद्रयान ने हमें चांद की ये पहली तस्वीरें भेजी। लेकिन अभी भी चंद्रयान 2 अपने सेफ ऑर्बिट में नहीं पहुंचा था क्योंकि चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने के लिए हमें अधिक वेलोसिटी की आवश्यकता थी, इसलिए हमने धरती के हर एक चक्कर के साथ साथ इसकी गति को और तेज किया था। लेकिन जब ये चांद के ऑर्बिट में दाखिल हुआ तब हमें इसे धीमा करना था ताकि चंद्रयान 2 चांद के सतह से एक निश्चित ऊंचाई जो कि है सतह से तकरीबन 100 किलोमीटर में स्थापित की जा सके और इस कारण चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद यानी ल्यूनार ऑर्बिट इंसर्शन LOI मैन्यूवर के होने के बाद चंद्रयान 2 को इसके पेरिगी यानी चांद से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे उल्टी दिशा में थ्रस्टर्स को ऑन करके गति को धीरे धीरे कम किया गया और फिर 2 सितंबर 2019 को दोपहर के करीब 1 बजे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से फाइनली विक्रम लैंडर को सेपरेट किया गया और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अपने निश्चित ऑर्बिट में चांद को ऑर्बिट करने लगा। 3 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर के पहले डी ऑर्बिटिंग मैन्यूवर यानी आसान शब्दों में कहे तो इसके ऑर्बिट में बदलाव के पहले चरण को पूरा किया गया। अब विक्रम लैंडर इसके ऑर्बिटर से अलग ऑर्बिट में धीरे धीरे चांद के सतह की ओर बढ़ रहा है। 4 सितंबर को इसके ऑर्बिट को और छोटा किया गया और ऐसे ही धीरे धीरे इसके ऑर्बिट और स्पीड को घटाकर फाइनली 7 सितंबर 2019 को
रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच में इसे चांद के साउथ पोल में लैंड कराया जाएगा। ये मिशन वाकई में हम सारे भारतीयों के लिए एक बहुत गर्व की बात है और इस मिशन के जरिए चांद पे लैंड करने का एक्सपीरियंस इसरो को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये लैंडिंग इसरो द्वारा की गई फर्स्ट एवर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये सारी तकनीक इसरो की खुद की बनाई गई तकनीक है। यानी आज जो भी कामयाबी चंद्रयान 2 को मिली है वो केवल और केवल हमारे खुद के देश के वैज्ञानिकों के कड़ी मेहनत से हुआ है और हमने इसमें किसी भी अन्य देश का सहारा नहीं लिया है। इसरो की ये खासियत मुझे सबसे अच्छी लगती है। भले ही हम नासा के मुकाबले 60 साल पीछे हैं, लेकिन आज हम जो कुछ भी है अपने बदौलत है और हम कई तेजी से अपने देश को अंतरिक्ष की ओर ले जा रहे हैं, वो भी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के मदद से। इस बात के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।